वहीं बेमेतरा जिले के ग्राम भिलोरी से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक युवक पूरे गांव की लाइन को बिना अनुमति काट दिया। लाइन को काटने वाला युवक अपने आप को विधायक का आदमी बताता है, कहकर ग्रामीणों से दादागिरी भी करता है, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाराजगी दिखाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि उप स्वास्थ्य केंद्र के पास लगे ट्रांसफार्मर का विद्युत कनेक्शन बंद हो जाने से सभी ग्रामीण गाँवों के नल जल योजना के तहत पानी की सुविधा एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर सभी ग्रामीण मिलकर इकट्ठा हुए और पता किया तो गाँव का विद्युत कनेक्शन क्यों काटा गया। तब सभी लोगों के द्वारा यहाँ CSEB स्टेशन से संपर्क करके लाइट बंद होने की जानकारी देने पर विद्युत कर्मचारी अपने स्टाफ के साथ ग्राम फिलोरी पहुंचकर ट्रांसफार्मर की जांच की। अपन निजी काम के चलते लाइन ला काट देंगे, जेकर से हमारे आसपास के जनता मन, छोटे छोटे भाई मन एवं सियान जवान मन सब परेशान रही है। जेकर वजह से कल थाना के मन कहे थाना गए रही है, जमा ये मांग करी है कि जल्द से जल्द जो जबरदस्ती टाइप से लाइन काटे होकर खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कल भिलौरी के ग्रामीणों के का फोन आया, उन्होंने बताया कि गांव के लाइन को सुबह से काट दिया गया है किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा। जब गए तो वहां पर पता चला कि राजीव मितान क्लब का जो अध्यक्ष है ग्राम भिलौरी का दिगंबर साहू, उसके द्वारा बिना अनुमति के लाइन को काट दिया गया है और उसके चलते पूरे गांव में कल दिन भर और रात भर ब्लैकआउट की स्थिति थी और अभी भी हम लोग शाम हो गया, अभी तक इस गांव में लाइट नहीं है। लाइन ला काट दी से बताई से तो मैं तुरंत आया, मैं तो देखे कि पूरा जो काट के अस्त व्यस्त कर दी लाइन का तीनों चारों फेसे और पूरा जिन अपन आधा बस्ती लाइन बन रही है। तो कौन है जो लाइट को काटा है? वो दिगंबर साहू।